हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सक्षम आईएएस इंस्टीट्यूट में। मैं मदन धाकर आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का तीसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट। ठीक है, और अभी तक आप लोगों को दो वीडियो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थे पसंद आए होंगे, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। यह एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर से चल रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इसको देखें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट, जिसके अंतर्गत हम लीवर और पेनक्रियास के बारे में एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा देखते हैं। यही हिस्सा जो आपने पिछले वीडियो में देखा था हमारा आमाशय था, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका पेनक्रियास होता है, यहाँ पर दो ग्लैंड होती है इस तरह से, और यह हिस्सा आगे चलकर छोटी हाथ का हिस्सा बन जाता है। यह ड्यूडेनम बन जाता है, जिसे आप ग्रहणी के नाम से जानते हैं। यही ग्रहणी, यहीं से हम उसको छोटी आंत का हिस्सा मान लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा आपका अग्नाशय हो गया, और इसके जस्ट आप ऊपर देखेंगे देखिए इस तरह से हमारे शरीर में रियली में सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस हिस्से को बोला जाता है लीवर, और जिसे हम बोल सकते हैं यकृत, और ये वाला होता है हिस्सा जिसे बोल सकते हैं आप अग्नाशय, या जिसको आप बोल सकते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पहले हम लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में। लीवर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो यह लीवर है, और लीवर के नीचे यह नाशपति के आकार की, क्या बोल रहा हूँ, जिसे नाम बोल गया है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर क्या बोले, गाल ब्लेडर हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। अगर इसका आकार देखा जाए तो नाशपति के आकार का है, नाशपति के आकार का है। ठीक है, और इसका कार्य देखा जाए तो यह संग्रहित करता है बाइल जूस को, या बोल सकते हैं पित्त रस को संग्रहित करता है। ठीक है, जब कभी गाल ब्लेडर में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पित्त रस संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे सभी ऑर्गन पीले कलर के दिखाई देने लगते हैं, येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम जॉन्डिस बोल देते हैं। ठीक है, ये बाइल जूस की वजह से होता है। ये लीवर है, और लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है, बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस संग्रहित होता है गाल ब्लेडर में। ठीक है, लीवर में। अब हम बात कर रहे हैं बाइल जूस की, पित्त रस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पित्त रस है, इसका पीएच अगर आप देखें तो लगभग होता है 7.7। 7.7 से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसा होगा नेचर में, क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। एक बात आप नोटिस करना, कभी भी पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते। मैं लिख देता हूं यहां पर पित्त रस में और क्या क्या चीज होती, पहले बता देता हूं, यहां बता देता हूं पित्त रस की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर पित्त रस, जिसे हम बोल सकते हैं बाइल जूस। ठीक है, पीएच हमने नोटिस कर लिया नीचे। पित्त रस में क्या क्या चीजें होगी, एक होगा आपका बिलू रूबिन, बिली वर्डिन, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। हम बोलने को तो बोल देते हैं कि पित्त रस है, बाइल जूस है, परंतु बिलुरुबिन है, बिलीवर्डिन है, फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सभी अवयवों से मिलकर बना होता है पित्त रस। अगर प्रश्न कभी ये आ जाए कि इसका रंग कैसा होता है, तब बोलोगे पीला। कैसा होता है, पीला तथा हल्का हरा, हल्का हरा। पर यदि ऑप्शन में पीला
और दूसरा ऑप्शन पीला प्लस हल्का हरा, तो यहाँ यह उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं यह कार्य क्या करता है। कार्य करता है यह आंत्र रस में, आंत्र रस जिसको बोल सकते हैं इंट्रेंसिक जूस है ना, या आंत्र के एंजाइम में जाकर वहां के एंजाइम को सक्रिय करता है, सक्रिय करता है और दूसरा क्या हो जाएगा, यह वसा का वसीकरण या बोल सकते हैं आप इमल्सीकरण करता है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहां पर यह वसा का वसीकरण या इमल्सीकरण करता है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो फेट के मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, बाइल जूस। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा, यह प्रोटीन तो पचाता ही है, क्या पचा रहा है, प्रोटीन पचाता है, प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन को अपघटित कर देता है, अपघटित या उपापचय के दौरान यहां पर क्या निकलते हैं, जल CO2 अन्य नाइट्रोजनस पदार्थ निकलते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ निकलते हैं। क्या बोला मैंने कि यहां पर यह प्रोटीन को अपघटित करता है, तोड़ता है या उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ यहां पर हमें जल भी मिलता है, यहां पर CO2 भी मिलता है और इसके साथ साथ यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम बोल सकते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल लिख देता हूं, यहां पर क्या हो जाएंगे नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल भी उत्पन्न होते हैं, यह भी चीज यहां पर उत्पन्न होती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अमोनिया की जो प्रकृति होती है वह विषैली होती है, तो उसको यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य भी लीवर कर देता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं, लीवर का कार्य लिख देता हूं, महत्वपूर्ण कार्य जो है। यह कार्य क्या करता है, जो अमोनिया होता है आपका यह विषैला होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, कौन, लीवर हमारा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है या कौन करता है, तो लीवर करता है। हम जल्दबाजी में किडनी लगा देते हैं या वक्र लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ से हमारा प्रश्न ये सही करना है हमें। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं निकलते, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं निकलते हैं, ये आपको नोटिस करना है। एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से भी आता है कि हमारे शरीर की वह कौन सी ग्लैंड है जहाँ से कोई एंजाइम स्त्रावित नहीं होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लीवर एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ से कोई एंजाइम स्त्रावित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त लीवर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या प्रश्न बनेंगे वो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है या यकृत है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है या यकृत है। उसके बाद हम बात करें कि यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और यहां से कोई भी एंजाइम स्त्रावित नहीं होते, नॉट सिक्रेशन of any enzyme, not secretion of any enzyme from liver,
ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसकी स्टोरी मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप भोजन में स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो यह आपके शरीर में जाएगा और शरीर में जाने के बाद क्या होगा, शरीर में तो चला गया, शरीर में जाने के बाद क्या होगा कि इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, हमारे जो शरीर के एंजाइम उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड और डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में यह कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोस में परिवर्तित हो चुका है, अब ग्लूकोस की एक्सेस मात्रा को कम करने के लिए हमारे पेनक्रियास में कुछ एंजाइम निकलते हैं जो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में भी परिवर्तित कर देते हैं। तो लीवर के अंदर ही ग्लाइकोजन ग्लूकोस में परिवर्तित कर देते हैं। ग्लाइकोजन क्या हो गया, एक प्रकार का वसा हो गया जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर रहता है, और जब हम उपवास करते हैं उस समय ग्लाइकोजन ग्लूकोस में परिवर्तित होकर उपवास के समय में मनुष्य को एनर्जी देता है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट इंटू ग्लूकोज, अर्थात ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तन कहाँ होता है, लीवर में। यह भी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। इस तरह से इतना जो मटेरियल है, इतना जो जानकारी है, इससे ज़्यादा जानकारी किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई है। तो आप सभी से निवेदन है कृपया ये वीडियो देखिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो हम बात करते लीवर की हो चुकी है, अब पेनक्रियास की बात कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा था, यह हिस्सा था हमारा कौन सा, पेनक्रियास वाला, जिसे हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। कौन, अग्नाशय, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, या बोल सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और तीसरी बात, पीले रंग की ग्रंथि है, यह पीले रंग की ग्रंथि है। क्या बात बोली हमने, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत आईएमपी, मोस्ट आईएमपी आप लगा सकते हो। दूसरी बात हम बोली कि हर बार ये तो पता होता सभी लोगों को कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कैसी होती है, परंतु कहीं कभी कभी कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आपको बताना कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हमारी पेनक्रियास है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह पीले रंग की एक ग्रंथि है। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। उसके बाद बात कर रहे हैं कि एक यहाँ पर कोशिकाओं का गुच्छा है, एक यहाँ पर कोशिकाओं का गुच्छा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोशिका का गुच्छा जो कहलाता आपका लेगरहेंस की द्वीपिका, लेगरहेंस की द्वीपिका, या इसी को बोल सकते हैं आप लेगरहेंस आइलैंड। ठीक है, अब लेगरहेंस की जो आइलैंड है, द्वीपिका है, एक प्रकार की एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, हम लिख सकते हैं यह कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब बात अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की हुई यहां पर, तो मैं बताना चाहता हूं कि ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। एक मिक्स ग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं पेनक्रियास, दूसरी होती है एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत रखा जाता है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जिनका सिक्रीशन वहीं होता है जहां पर वो स्थित होती है, अर्थात जो केमिकल, जो रसायन निकलता है वह वहीं निकलता है, वह पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाने के लिए उसके पास कोई नली नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होता है। तो वह रसायन जो एंडोक्राइन सिस्टम से निकलता है उसको हम हार्मोन्स बोल देते हैं। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम से जितने भी केमिकल निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। उसी के अपोजिट हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत, बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत, तो बहिःस्रावी ग्रंथि मतलब स्त्राव बाहर होना है,
कहाँ होना है, बाहर होना है। उस स्थिति में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक, पर्टिकुलर हिस्से तक हमारे केमिकल को ले जाने के लिए एक डक्ट है, एक नली है। उस प्रकार के केमिकल को हम बोलते हैं एंजाइम। इस तरह से एंजाइम और हार्मोन्स थोड़ा अंतर है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी अंतःस्रावी ग्रंथि की। ऑब्वियसली यहाँ से जितने भी केमिकल निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा कोशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने आइलैंड या द्वीपी का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की सेल होती है, इसलिए इनको लेग्रेंस बोला जाता है, क्योंकि इस प्रकार के हिस्से की खोज सर्वप्रथम साइंटिस्ट ने करी थी, जिनका नाम था लेग्रेंस। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल है, और ये कौन सी सेल है, गामा सेल है। अल्फा सेल की बात करते हैं तो अल्फा सेल पेनक्रियास के अंदर एक केमिकल निकालती है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। बीटा सेल एक केमिकल निकालती है, अच्छा ग्लूकेगॉन क्या हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो आप बोलेंगे हार्मोन्स, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है सभी के सभी क्या निकालेगी, हार्मोन्स। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। बात करता हूं बीटा सेल, तो यह क्या निकालेगी, इंसुलिन। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। और तीसरी बात करूं मैं गामा सेल की, तो यह क्या निकालेगी, सोमेटोस्टेटिन। एग्जाम की दृष्टि से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन बहुत ही ज्यादा आईएमपी है यहां पर। क्यों आईएमपी बन जाते हैं, उसके कार्य देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन बन जाता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अभी थोड़ी देर जब हम लीवर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, ठीक है, अगर इसको समझना है तो पहले इसको समझो तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला या बीटा सेल से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का फैट होता है हमारे शरीर में जो लीवर में जाकर संग्रहित हो जाता है, और जब हम उपवास करते हैं तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो इंसुलिन क्या है, यह ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और उसी के अपोजिट ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, यह ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकेगॉन का कार्य इंसुलिन के कार्य के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन, तो आप बोल सकते हो कि यह एक क्या होता है, यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन से जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि, इसे स्वांगीकरण को बोलते हैं एसिमिलेशन की अवधि बढ़ाता है। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत कम आईएमपी है, परंतु इंसुलिन और ग्लूकेगॉन बहुत ज्यादा आईएमपी है यहां पर। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, पेनक्रियास के अंतःस्रावी ग्रंथि से बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स में। तो यह प्रोसेस जो चल रही है यह भी चल रही है लीवर के अंदर, और यह प्रोसेस जो चल रही है यह भी चल रही है लीवर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्मोन्स हो गए, इनका ये कार्य होगा। फिर बात करते हैं यहां पर एक जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्त्रावी ग्रंथि, जिसे नाम दिया गया है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला गया है, बहिस्त्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मैंने पहले ही समझा दिया कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ऑब्वियसली क्या निकालेगी, केमिकल ऑब्वियसली उसमें भी निकालती है, परंतु केमिकल का नाम क्या होगा, एंजाइम होगा, आपको ये याद रखना है। बहिस्त्रावी ग्रंथि एंजाइम, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स। बहिस्त्रावी ग्रंथि है तो ऑब्वियसली क्या निकाल रही है, एंजाइम निकाल रही है। तो वो कौन कौन से एंजाइम है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हमें तीन प्रकार के एंजाइम निकालते हैं, एक दो और तीन। ठीक है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज।
ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीन प्रकार के एंजाइम कहां से निकलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि? पैनक्रियास की। ट्रिप्सिन जो होता है यह पचाता है, किसको पचाता है? प्रोटीन को। और किस में कन्वर्ट कर देता है? यह अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो अम्ल। ये पच गया, यह सबसे सरल यूनिट है जिसका उपयोग मनुष्य शरीर कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं एमाइलेज, तो ये किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको पचा रहा है? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं लाइपेज, ये किसको पचा रहा है? वसा को। अब हमारे भोजन के मुख्य अवयव जो कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, अर्थात पैनक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं, हमारे भोजन के मुख्य अवयव जो प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट, तीनों के तीनों पच जाने की वजह से अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस को ही बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। तो एग्जाम में आता है कि पूर्ण पाचक रस निम्न में से कौन सा रस है, तो आपको अग्नाशय रस सिलेक्ट करना है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस है, पूर्ण पाचक रस है, ठीक है। अग्नाशय रस कैसा है? पूर्ण पाचक रस है। और इसका पीएच कितना होता है? लगभग 7.5 टू 8.3 होता है इसका पीएच, ठीक है। और बात करते हैं यहां पर इंसुलिन की, ये इंसुलिन की, तो इंसुलिन के लिए यहां पर जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इंसुलिन की हम बात कर लेते हैं, तो इंसुलिन एक हार्मोन से जो कि अग्नाशय रस की अंतःस्रावी ग्रंथि की बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन जब नॉर्मल रेट से मनुष्य के शरीर में निकलता है तो मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या रोग या डिसऑर्डर उत्पन्न नहीं होता है। परंतु जब बात करें इंसुलिन के अल्प स्त्राव की, जिसको बोल सकते हैं हाइपोसिक्रेशन, या बात करें अति स्त्रावण यानी बहुत ज्यादा स्त्राव हो रहा है, जिसको बोल सकते हैं हाइपरसिक्रेशन, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन होता है या हाइपरसिक्रेशन होता है, तो आप मुझे बताइए कि इंसुलिन काम क्या करता है, तो आप देखोगे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मैं यहां लिख देता हूं ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लाइकोजन में, ठीक है। अगर इंसुलिन कम निकला, क्या निकला? कम निकला, तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि कम निकल रहा है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, यह कम कर रहा है। उस स्थिति में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसी शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को ही नाम दिया जाता है मधुमेह या डायबिटीज। ग्लूकोज खाने को मना बोलते हैं, शक्कर खाने को मना बोलते हैं, या मीठी चीज खाने को मना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है और शरीर में वैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है, और बढ़ने का कारण क्यों है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई। इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो शरीर में जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो शरीर में लेवल बढ़ रहा है ग्लूकोज का, उसी बढ़ी हुई मात्रा को बोला जाता है डायबिटीज या मधुमेह रोग। मधुमेह रोग या डायबिटीज, और इसका पूरा नाम हो जाए तो इसका पूरा नाम याद रखना डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अब डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या लक्षण होंगे? कुछ लक्षण होंगे जैसे अचानक भूख लग जाना, प्यास लगना, वजन कम होना और दृष्टि धुंधली धुंधली हो जाती है। दृष्टि धुंधली हो जाती यानी कम दिखाई देता है,
अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर से बोल देता हूँ, दृष्टि में थोड़ा सा कम दिखाई देने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है जिसे बोलते हैं, वजन कम हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा, प्यास ज़्यादा लगती है या बार बार प्यास लगती है, अचानक भूख लगती है या फिर लगातार थोड़ी 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 भूख लगती रहती है, ठीक है, ये लक्षण हो गए डायबिटिक मेलिटस को, जिसे आप बोल सकते हैं डायबिटीज या मधुमेह डायबिटीज, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन साथ में लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि अचानक से भूख लगने लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, उस स्थिति में अचानक से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं इंसुलिन को, तो इंसुलिन जैसे ही शरीर में बढ़ जाता है तो वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर, मतलब शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की, मतलब यहां पर इंसुलिन का ज्यादा स्त्राव हो रहा है तो ग्लूकोज सारे के सारा कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लाइकोजन में। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर ग्लूकोज पूरा का पूरा, क्योंकि यहां पर अति स्त्रावण हो रहा है इंसुलिन का, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नॉर्मल रेट से करता है, बहुत ज्यादा निकल गया कि पूरा के पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लाइकोजन में। उस स्थिति में शरीर में कमी किसकी हो गई, ग्लूकोज की। शरीर में अति स्त्रावण में क्या हो रहा है, शरीर में ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी। और एक बीमारी नाम दे देते हैं उसको, जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, शरीर में जब अतिस्रावण होता है इंसुलिन का तो ग्लूकोज संपूर्ण ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, उस स्थिति में शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और उसी ग्लूकोज की कमी को नाम दे दिया गया हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स है, जैसे जनन शक्ति कम हो जाती है, जनन शक्ति या जनन क्षमता, जनन शक्ति या जनन क्षमता कम हो जाना, दृष्टि ज्ञान कम हो जाना, थकावट अधिक होना, और इसके अतिरिक्त होता है अचानक चक्कर आना। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी थी हमारे पेनक्रियास के बारे में, जिसको आप बोल सकते हैं अग्नाशय। ठीक है, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाता है, आप प्रीवियस पेपर सारी एग्जाम के उठा के देखिए, बन जाएंगे आपको, पर टॉपिक यही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, वो भी उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। और मेरी आपसे इतना निवेदन है कि आप रेगुलर इस चैनल पे बने रहिए और हर वीडियो देखिए, और मैं यहाँ से 50 क्वेश्चन एवरीडे 50 डेज के लिए एक स्कीम भी लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर रोज आपको 50 क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आप वो रोज देखते हैं तो 50 दिनों में आपके लगभग 2500 MCQ साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे। अपेक्षा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।